खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं देखिए, उस वक्त वो बात आई थी, उसकी क्लैरिफिकेशन हो गई थी, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड लेवल पर, इतने बड़े स्केल पर जो डेटा, जो फैक्ट पब्लिक डोमेन में आ रहा है, उससे सबको डरना चाहिए, भाजपा वालों को भी डरना चाहिए, क्योंकि सत्ता प्रतिष्ठान में आज आप हैं, कल आप नहीं होंगे। लेकिन अगर मेरे मुल्क की सरकारों की ये कार्यशैली हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज की ये कार्यशैली हो गई, जिसमें एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, मीडिया पर्सनल, पॉलिटिशियंस, कॉमन सिटीजन की अगर टैपिंग होंगी, स्नूपिंग उन पर किया जाएगा, तो ये संदेश खतरनाक है और ये खतरा सबको दिखना चाहिए, ये हमारा आग्रह होगा। साल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ये संदेह जताया कि उनके फोन की टैपिंग हो रही है, उनको उनके फोन भी सुरक्षित नहीं है। देखिए, मैं तो सीधे तौर पे कहता हूँ, ममता जी की बात छोड़िए, बीजेपी के कई मिनिस्टर्स नॉर्मल कॉल नहीं कर रहे, सिग्नल, टेलीग्राम वगैरह वगैरह, क्यों मूव कर रहे हैं लोग इन ऑल्टरनेटिव्स पे? सीधे तौर पे सबको इस बात का कहीं ना कहीं आभास हो चुका है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ये परेशानी का सबब सबके लिए होना चाहिए। जो आज सत्ता पे काबिज हैं, कल वो वहां नहीं होंगे, लेकिन अगर यही सिलसिला चलता रहा तो ये खतरनाक है। सर महाराज कॉन्फिडेंट है सरकार बनाने को लेकर के, लेकिन शिवसेना ने भी रास्ते खोले हुए हैं बीजेपी और एनसीपी के लिए, कांग्रेस और एनसीपी के लिए, और वेट एंड वॉच की स्थिति में है दोनों पार्टियां। बीजेपी अगर कहती है कॉन्फिडेंट हैं हम, तो मैं तो उस कॉन्फिडेंस को देख रहा हूं, 10-12 दिन बीत गए, कहां हैं आप साहब, क्या हो रहा है? लोग वोट डालने के बाद इस तरह की अनिश्चितता में नहीं रहना चाहते, ये महाराष्ट्र की आवाम के साथ भी एक तरह का धोखा है। चुनाव हुए, महाराष्ट्र सरकार विहीन है, और मुझे स्मरण है मध्य प्रदेश में 3 दिन लगे थे मुख्यमंत्री चुनने में कांग्रेस को, बावेला मच गया था, अरे साहब ये हो रहा है, वो हो रहा है, आज क्यों चुप्पी? सर की भी कल मुलाकात होने वाली है, हो सकता है कि इस मामले बारे में भी चर्चा हो और कोई उपाय निकले या किसी तरह का डिसीजन लिया जाए अगर बीजेपी और शिवसेना सरकार नहीं बनाती है। देखिए, सीधे तौर पे मानना है कि महाराष्ट्र का मैंडेट, इनफैक्ट अगर कहूं सच तो हरियाणा का भी मैंडेट, किसी को भी सत्ता नहीं सौंप रहा है, सबके लिए संदेश, विपक्ष के लिए भी है और जो सत्ता पक्ष बन के चुनाव में गए थे उनके लिए भी है। तो इस तरह के फ्रेगमेंटेड मैंडेट में पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, वो रास्ता काफी खुला होता है, वो उसमें संकीर्ण दायरा नहीं है, एक बड़ा दायरा, कुछ भी संभव है। एक स्ट्रेटजी बनाई जाए, जिस तरीके से आर्थिक हालात हैं देश की, बेरोजगारी बढ़ रही है और बैंकिंग सिस्टम से लोगों का विश्वास उठ रहा है, उसको लेकर के स्ट्रेटजी बनाई जाए। ये बेहद स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि राजनीति लोक सरोकार के मुद्दों पे होनी चाहिए। नौकरी का की हालत यह है कि आप कहीं भी किसी भी राज्य में घूम जाइए, अनिश्चितता है, हाहाकार मचा हुआ, अर्थव्यवस्था लहूलुहान है, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, कोई भी सेक्टर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करता है। इंडस्ट्रियल हाउसेस, कॉरपोरेट सेक्टर से बार बार संकेत आ रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण के बाहर जा रही है। आरसीईपी का एक मसला है, वो अपने आप में एक डरावना प्रोपोजिशन है, जो हम संभवतः हमारी सरकार साइन करना चाहती है। तो जो हमारा खास करके छोटे और मझोले किसान है, उन पर तो बड़ी बुरी तरह मार पड़ेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा युग दिख रहा है दूर में, तो मैं समझ रहा हूं कि जाहिर तौर पर विपक्ष को एकजुट होना होगा और इन मुद्दों के साथ जनता के साथ 24/7 काम करना होगा। सर जम्मू कश्मीर का नया नक्शा सरकार ने दे दिया है देश को, जिसमें जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है और लद्दाख अलग है। क्या कहूं इस पर, जो कहना था सदन में कह दिया, जयप्रकाश जी की चिट्ठी पढ़ के सुना दी, ये भी कह दिया कि आज नहीं 5-7-10 वर्ष बाद याद करोगे कि क्यों ये आपने निर्णय लिया, और ये एक तरह से विवेकहीन फैसला था। एक चीज जो और परेशान कर रही है कि बीते 40-50 वर्षों में कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी डिस्कस नहीं किया गया, हमारा घरेलू मामला था, दिक्कतें थी, हम सुलझाते थे, बैठते थे, आज अचानक में विश्व के कई राष्ट्र इस पर अपनी जुबान खोलने लगे हैं।
ये संकेत मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। नक्शा एक भौगोलिक चीज होती है, लेकिन नक्शे की तामीर लोगों के दिलों में हो वो ज्यादा जरूरी है। विश्व की सबसे पोल्यूटेड सिटी बन गई है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, राजनीति हो रही है, ब्लेम गेम हो रहा है। खट्टर कह रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर से कि वो मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाएं और इसका उपाय निकालें। ये हर साल होता है, इस महीने में, इन महीनों में, दो महीने डेढ़ महीने बहुत चर्चा होती है, लगता है कि अब सब सुधर जाएगा, ब्लूप्रिंट बन जाएगा। जावड़ेकर साहब कहते हैं कि केजरीवाल जी राजनीति, कमाल की बात है भाई। दिल्ली कई लोग कह रहे हैं गैस चैम्बर, आपसे मैं बात कर रहा हूं और सामने मुझको धुंध धुंध धुआं धुआं दिख रहा। मैं तो सीधे तौर पे कहूंगा दरकिनार करिए ये, और पराली को ब्लेम करना, अरे अगर पराली पे चर्चा कर रहे हो तो गाड़ियों पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो, जनरेटर सेट्स पे क्यों नहीं चर्चा कर रहे हो। किसान सबसे इजी टारगेट कि पराली जला रहा, पराली, ये सिर्फ पराली की देन नहीं है। मैं समझ रहा हूं कि ईमानदार कोशिश होगी ना राजनीति से इतर तभी संभव।